हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो वेल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं दो बेहद ऐसे अल्ट्रा अफोर्डेबल लैपटॉप्स को कंपेयर करने वाला हूं, जिनके बीच में भी आप लोग जो है कंफ्यूज होंगे कि कौन सा ले या फिर कौन सा ना ले। तो मेरे लेफ्ट हैंड तरफ आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, विंग्स का नोटबुक V1 है, और मेरे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखेंगे इन्फिनिक्स नोटबुक Y2 Plus है। तो दोनों ही मेटालिक लैपटॉप है और दोनों की प्राइसिंग लगभग जो है यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलती है जब भी ऑफर ऑफर आप लोग लगाते हैं। लेकिन फॉर रेफरेंस, विंग्स का लैपटॉप जो है ₹500 महंगा है एज कम्पेयर टू द इन्फिनिक्स नोटबुक। नाउ मैं जो बोल रहा हूँ ना, उस पर फोकस करना। सामने जो स्क्रीन चल रही है दैट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे वीडियो बनाना है तो कुछ तो सामने यहाँ पे चलता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर यहाँ पे फोकस करना। देखो, कंक्लूजन में आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें। दोस्तों देखिए, मान के चलिए मैं ₹100 में 3 कचौरी 2 समोसे देता हूँ और दूसरी दुकान पे ₹100 में 3 कचौरी 2 समोसे मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो बात लगभग सेम ही है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि किसको अगर समोसे ज्यादा पसंद है तो वो मुझसे लेगा, और कचौरी अगर किसको ज्यादा पसंद है तो वो सामने वाले से लेगा। तो ओवरऑल सिनारियो जो है ये यहाँ पे बैठता है। तो बोलने का मतलब यही है कि दोनों में फीचर्स कुछ ना कुछ ऐसे हैं जो कि इसमें है लेकिन उसमें मिसिंग नहीं है, और उसमें है तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जो है यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले को लेके। ठीक है, तो डिस्प्ले कौन से लैपटॉप की यहाँ पे सही निकल कर आएगी, तो क्लियर कट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों विंग्स वाले लैपटॉप की जो डिस्प्ले है काफी ज्यादा सुपीरियर है। यहाँ पे एक तो 300 Hz का पैनल मिलता है और ऊपर से 100% sRGB आपको जो है देखने को मिलती है। वेरस इन्फिनिक्स के लैपटॉप के देखें तो वहां पे आप लोगों को मात्र 83% sRGB मिलता है विद 250 Hz का पैनल। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों पैनल की ब्राइटनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाती है बिकॉज ब्राइटनेस चलती है लॉगरिथमिक में। तो स्टार्टिंग पीरियड में जितना ज्यादा गैप आ जाएगा ना, तो उतनी ज्यादा डिस्प्ले अच्छी निकल जाएगी। तो 300 Hz मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट निकल के आती है, और ऊपर से आपको 100% sRGB वाली विंग्स जो है यहाँ पे डिस्प्ले दे रहा है। इट्स एन इनक्रेडिबल जॉब। आप काम बंद करके डिस्प्ले के मामले में इस लैपटॉप पर ट्रस्ट कर सकते हो। अगर मैं इनबुक की बात करूं तो वहां पे दोस्तों आपको 250 Hz की डिस्प्ले देखने को मिलती है विद 83% sRGB। हाँ, ये आप लोग बोल सकते हैं कि थोड़ी एवरेज से कम डिस्प्ले है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो है बिल्कुल बुरी है, लेकिन विंग्स की ज्यादा अच्छी है, मैं इतना आप लोगों को यहाँ पे बोल देता हूँ। फिर बात करते हैं दोस्तों प्रोसेसर। प्रोसेसर को लेकर बुरा मत मानिए कि 2 साल पुराना प्रोसेसर है, 99% लोगों का काम हो जाएगा। दोनों ही केस में आप लोगों को सेम प्रोसेसर मिलता है, फर्क सिर्फ इतना है कि विंग्स का जो प्रोसेसर है वो थोड़ा स्लाइटली ज्यादा क्लॉक्ड है। ठीक है, जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ दोनों में से कौन सा बेटर है, तो ऑब्वियसली विंग्स का प्रोसेसर आपको थोड़ा जस्ट मैं थोड़े की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा बेटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोनों ही केस में आप लोगों को 28 वाट वाले प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। 1155G7 है यहाँ पे विंग्स में और 1155G4 है यहाँ पे इन्फिनिक्स में। ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेसर लगभग सेम है लेकिन थोड़ा ज्यादा क्लॉक्ड है यहाँ पे विंग्स वाला प्रोसेसर। बात करते हैं दोस्तों वेट को लेके, बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कंसिडरिंग आजकल लोग जो है लैप पर रख के भी काम करते हैं। तो इस केस में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे विंग्स वाले लैपटॉप का वजन कम है, 1.6 kg है, वेरस इन्फिनिक्स इनबुक वाले लैपटॉप का वेट थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलता है, 1.8 kg। और मेरे हिसाब से अगर विनर देखा जाए तो विंग्स का ही लैपटॉप निकल कर आता है दोस्तों, बिकॉज मैं पर्सनल एक ऐसा लैपटॉप यूज करता हूँ LG ग्राम 17 2021 जो कि जस्ट 1.4 kg वेट है उसका और 17 इंच का लैपटॉप है। तो इन दोनों ही लैपटॉप से बड़ा है, लेकिन इन दोनों ही लैपटॉप से मेरा लैपटॉप काफी जो है वजन में कम है। तो कम वजन में ऑलवेज प्रेफर करता हूँ, और ये चीज आप लोग तभी समझ पाएंगे जब आप इन चीजों को यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी विनर आपका जो है दोस्तों विंग्स नोटबुक निकल कर आता है। फिर बात करते हैं दोस्तों फास्ट चार्जिंग को लेके। पर्सनली स्पीकिंग व्हेन इट कम्स टू द लैपटॉप, में फास्ट चार्जिंग का उतना ज्यादा फैन नहीं हूँ दोस्तों। द रीजन बीइंग इज ऑब्वियसली यार, देखो कौन सा भागना है चार्ज करके। ठीक है, और जब भी आपको चार्ज करना होता है तो आप आराम से इसको 2-3 घंटे लगा के रखते हैं, बट फिर भी स्टिल फॉर द रेफरेंस यहाँ पे विंग्स जो है दोस्तों थोड़ा विनर निकल कर आता है। कंसिडरिंग यहाँ पे आपको 65 वाट का जो है चार्जर मिलता है जो कि 60% 1 घंटे में आपकी बैटरी चार्ज कर देगा। वेरस अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इनबुक की, इन्फिनिक्स इनबुक की, तो 45 वाट का जो आपको चार्जर मिलेगा जो कि आपका 70% चार्ज कर देगा 1 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पे
बात करते हैं दोस्तों एसएसडी को लेके। और एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, 50 वाट आवर का जो है बैटरी पैक आप लोगों को इन्फिनिक्स अलग में मिलेगा, वेरास अराउंड 47-48 वाट आवर का बैटरी पैक जो है आप लोगों को यहाँ पे विंग्स वाले लैपटॉप में मिलेगा। ठीक है, तो बैटरी पैक इन्फिनिक्स का थोड़ा यहाँ पे बड़ा है, लेकिन चार्जिंग थोड़ी स्लो आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एसएसडी को लेके, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग फैक्टर है दोस्तों, यहाँ पे इस चीज को ध्यान से सुनना। देखो NVMe Gen 4 और Gen 3 SSDs में जमीन आसमान का अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा तो अंतर है। ठीक है, थोड़ा अंतर भी हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे और विंग्स को दोस्तों यहाँ पे देंगे इस केस में फुल मार्क्स, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को Gen 4 SSD देखने को मिलते हैं और इन्फिनिक्स वाले लैपटॉप में आप लोगों को मिलती है Gen 3 SSD। तो हाँ, फास्ट है, विंग्स वाले लैपटॉप में आपको जरूर जो है यहाँ पे फास्ट SSD देखने को मिल जाएगी, और दोनों ही केस में 512 GB की आपको जो है दोस्तों यहाँ पे SSD कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, तो उसमें कोई उतना बड़ा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता। पोर्ट सिचुएशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, नाउ देखा जाए तो आजकल हर लैपटॉप में सफिशियंट पोर्ट आते हैं, उतना ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आप लोग जान सकते हैं। दोनों ही लैपटॉप में 2 USB 3 Type-A पोर्ट आते हैं, ठीक है, 2 पोर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो विंग्स का लैपटॉप है ना, इसमें इन लोगों ने एक USB-A पोर्ट USB 2 जनरेशन वाला एक्स्ट्रा दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिला के विंग्स वाले लैपटॉप में 3 USB-A पोर्ट मिलते हैं, वेरास इन्फिनिक्स वाले लैपटॉप में आपको 2 ही जो है यहाँ पर USB-A पोर्ट आपको देखने को मिलता है। दोनों ही केस में एक एक HDMI है, दोनों ही केस में आपको जो है दोस्तों एक SD कार्ड स्लॉट और एक एक टाइप सी पोर्ट देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। एक और चीज मैंने नोट की फ्रेंड्स के, यहाँ पे जो विंग्स वाला लैपटॉप है इसके एडवर्टाइजमेंट पेज को अगर आप लोग पढ़ेंगे ना, तो ज्यादातर इन लोगों ने नोटबुक प्रो के बारे में भी कई कई मेंशन कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, दोनों ही लैपटॉप लगभग 100 डिग्री तक फोल्ड होते हैं, 100 डिग्री तक खुलता है, कोई भी लैपटॉप इसमें 180 डिग्री तक नहीं खुलता है भाई। ठीक है, लेकिन जब भी हम विंग का नोटबुक का एडवर्टाइजमेंट वाला पेज स्क्रॉल करेंगे ना, तो उसमें ये आपको मेंशन कर देगा कि फॉर एग्जांपल नीचे आप लोग देखिए 180 डिग्री फ्लेक्सिबल हिंज, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आप लोग देखेंगे कि नोटबुक प्रो का स्पेसिफिकेशन है वो 180 डिग्री खुलता है, जो नॉर्मल नोटबुक है वो लगभग 100 डिग्री तक ही खुलती है, 95-100 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों ऑडियो को लेके। तो ऑडियो को लेके मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इन्फिनिक्स एमबुक का ऑडियो आपको अच्छा मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर आपको DTX:X जो है साउंड देखने को मिलता है। पर्सनली मैं भी वही यूज करता हूँ, DTX:X ऑडियो इन दी LG ब्रांड 2021, तो ट्यूनिंग इनकी काफी ज्यादा फाइन आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। वेरस अगर मैं नंबर ऑफ स्पीकर्स की बात करूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को विंग्स नोटबुक V1 के नंबर ऑफ स्पीकर्स जो है ज्यादा देखने को मिलते हैं, थर्ड स्पीकर है, और विंग मैक्स ऑडियो का जो है इन लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट दिया हुआ है। फिर बात करते हैं दोस्तों और एक जरूरी चीज की, दोनों ही प्लेन्स में आप लोगों को रैम एक्सपेंडेबल देखने को नहीं मिलेगी, और मुझे नहीं लगता कि एक इतना बड़ा इशू है कंसिडरिंग। देखो, एक तो सस्ता सा लैपटॉप आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और मैं यही बोलूंगा आपको कि रैम अपग्रेड के चक्कर में इसमें बिल्कुल मत पड़ना, एक तो होती नहीं है यहाँ पे, ये बात भी अलग है। लेकिन हाँ, I3 है, 8 GB RAM, 512 GB SSD, सफिशियंट कॉन्फ़िगरेशन है, आपके 4-5 साल तो आराम से यहाँ पे निकाली देंगे। फिर आता है दोस्तों पूरे वीडियो में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मेरे पूरे इस वीडियो में सबसे फेवरेट पार्ट है ग्रास ट्रैक पैड। जी हाँ, ग्रास ट्रैक पैड में आपको बता दूं दोस्तों, महंगे महंगे लैपटॉप्स में कंपनी देती है, लेकिन इन्फिनिक्स ने इसमें दे दिया है, इन्फिनिक्स में इसने दे दिया है, और इसके लिए मैं सारी कमियां यहाँ पे माफ कर सकता हूँ। दैट इज द ग्लास ट्रैक पैड आपको इन्फिनिक्स में देखने को मिलता है, वेरस नॉर्मल सा जो ट्रैक पैड है मेटेलिक वाला, वो आप लोगों को विंग्स वाले लैपटॉप में देखने को मिलेगा। एंड पर्सनली बिलीव मी गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूँ, ग्लास ट्रैक पैड एक बार यूज करने लग गए ना, बाकी कोई ट्रैक पैड आप लोग यूज नहीं करोगे, धीरे धीरे आप लोग जो है माउस भी साइड में रख दोगे, इतना मक्खन चलता है यहाँ पे ये ट्रैक पैड। और हाँ, रैम की जहाँ पे बात हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि नोटबुक में DDR4 रैम है, वेरास इन्फिनिक्स वाले में DDR4X रैम आप लोगों को जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर एक और चीज आती है, देखिए दोनों ही लैपटॉप जो है यहाँ पे 15.6 इंच के हैं, ठीक है, लेकिन नोटबुक में आपको नम पैड देखने को मिलता है, ठीक है, दैट मींस वो साइड में लिखा होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो आपको नोटबुक में मिलता है, वेरास इन्फिनिक्स वाले लैपटॉप में वो चीज नहीं है। नाउ ये अपने हिसाब से है, अपने ऊपर है कि अगर आपको नम पैड चाहिए या फिर नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इतना गारंटी है कि
कर रही हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।